क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे कि ये वेव ऑन स्ट्रिंग से रिलेटेड है. एक्चुअली में वेव ऑन स्ट्रिंग और इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मिक्स करके ये जो है सवाल बनाया गया है ना. तो इसमें कहा गया है स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेट वायर इज 90 मीटर पर सेकेंड. बीच में ब्रैकेट में जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, मास है 6 ग्राम, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर. इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज 16 × 10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ वायर फ्रॉम ओवर इट्स नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंशन हो गया वो हमें पता करना है. तो हमें पता है कि वेव ऑन स्ट्रिंग का जो स्पीड होता है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ बाई म्यू. अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा एफ बाई म्यू, है ना. तो इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं. एक इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ से एफ का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यह आएगा वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. इस एफ का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 बाई म्यू, और एफ का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई ए डेल्टा एल बाई एल. अब जो म्यू है, म्यू होता है लीनियर डेंसिटी, इसको हम लोग मास पर यूनिट लेंथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1 बाई मास पर यूनिट लेंथ इंटू वाई ए डेल्टा एल बाई एल. देखेंगे ये एल और ये एल कैंसिल हो गया तो यहाँ से डेल्टा एल का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है. ये टर्म जो है इनको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो यह आएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया. तो ये कितना आएगा, मास देखेंगे दिया गया है 6 ग्राम, तो 6 × 10⁻³ kg हो जाएगा. स्पीड दिया गया है 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 का स्क्वायर कर सकते हैं. यंग्स मॉडुलस दिया गया है 16 × 10⁻¹ⁱ, है ना. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, है ना. जब आप इसको सोल्व करेंगे, है ना, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा करीब 3 × 10⁵ यानी पॉइंट, ये मीटर में हो गया 0.03 मिलीमीटर, ये आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑप्शन 3 है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा.